नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ सोनू। खबर रीवा से है, जहां सिटी कोतवाली का तरहटी मोहल्ला इन दिनों चर्चा में है। यहां की फिजा खान बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जाते समय पकड़ी गई है। उसे अमृतसर की अटारी बॉर्डर से पकड़ा गया है। उसके पास पासपोर्ट और वीजा भी मिला है। कंप्यूटर साइंस से बीएससी करने के बाद फिजा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। परिवार वालों के मुताबिक फिजा घर की होशियार लड़की है। तरहटी मोहल्ले में फिजा के घर से पहले इस नाम की कई लड़कियां मिली थी। एक घंटे बाद हनुमान मंदिर के बगल वाले रास्ते की गली में कुछ युवा मिले। नाम पूछने पर बोले, हाँ, इसी मोहल्ले की फिजा पाकिस्तान जा रही थी। घर के बाहर फिजा के पिता मिल गए। बोले, बेटी जब घर आ जाएगी तब मीडिया से बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना मालूम है कि वह पाकिस्तान जा रही है। फिजा ने 3 महीने पहले मार्च में पासपोर्ट बनवा लिया था। पासपोर्ट उसे भोपाल से इशू हुआ था। फिजा 14 जून को घर से भागी थी। उसके बाद 22 जून को ही 90 दिन का कराची के लिए वीजा जारी हुआ था। पिता ने बताया कि 23 साल की फिजा घर में सबसे बड़ी बेटी और होनहार है। घोंघर स्थित कॉन्वेंट स्कूल में टीचर है। 19 साल की छोटी बेटी GDC कॉलेज में पढ़ रही है। छोटा बेटा 18 साल का है। कब बेटी का पासपोर्ट बन गया, कब पाकिस्तानी युवक से बात शुरू की, पता ही नहीं चला। पिता किराना दुकान चलाते हैं। पिता ने पुलिस को बताया कि 14 जून को फिजा लापता हो गई थी। शाम को बेटे के मोबाइल पर फेसबुक मैसेंजर पर फोन आया, लेकिन बात नहीं हो सकी। दिलशाद खान नाम से शंका हो गई। ऐसे में तुरंत सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर गुमशुदगी भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया। साइबर सेल की मदद से पता चला कि फेसबुक मैसेंजर से फोन करने वाला युवक दिलशाद खान पाकिस्तानी है। मामले में पुलिस ने जांच बढ़ाई तो पता चला कि युवती का 2 महीने पहले पासपोर्ट जारी हुआ है। ऐसे में शंका बढ़ती गई। दूसरी तरफ पुलिस ने युवती के फेसबुक मैसेंजर की जाँच की। इसमें पता चला कि कई महीने से वह पाकिस्तानी युवक से बात कर रही है। युवती ने ये बात 2 लोगों को बताई थी, जो मोबाइल में पाकिस्तानी युवक की फोटो भी देख चुके हैं। SP नवनीत भसीन ने पत्रकार को बताया कि फेसबुक मैसेंजर में लगातार युवती के भाई के मोबाइल पर पाकिस्तानी नंबर से फोन आ रहा था। ऐसे में 20 जून को साइबर सेल की जांच पूरी होने के बाद लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सभी एयरपोर्ट और बंदरगाहों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सूचित किया गया था। तब 25 जून को सफलता मिली है। टीम अमृतसर गई है। वहां से आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।